बयान हलफी केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आए, सहाफियों के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि लोगों को बताया गया जजेस कम्प्रोमाइज्ड हैं, खुलकर बात करता हूं, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं। साकिब निसार से या किसी से कोई ताल्लुक नहीं, क्या हम लोगों का अदालत पर एतमाद खत्म होने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त मंजूर, वजीर आजम इमरान खान के बयान पर जरह का हक मिल गया। सेशन अदालत ने इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ का हक के जरह खत्म कर दिया था। ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का हुक्म जारी। हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली। रहनुमा नून लीग अतातारड़ कहते हैं कि हमजा शहबाज नैब की दोनों तरामीम का फायदा नहीं लेना चाहते, कहा ये एनआरओ है और हम एनआरओ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत इंतकाम की सियासत कर रही है। बल्दियाती निजाम में तरमीम के लिए जमात इस्लामी का धरना जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मजबूत नाजिम ही कराची शहर के मसाइल हल कर सकता है। सिंध भर में एहतजाज से पीपल्स पार्टी का लसानियत का बयानिया दफन हो गया। कराची में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करने लगा, मुस्बत केसेस की शराह 41% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान शहर कायद में कोरोना के 7,670 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,149 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। शहरियों की जानिब से एसओपीज के खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी, 9 माह बाद मुस्बत केसेस की शराह 11.55% तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रोन शिद्दत इख्तियार करने लगा, मजीद 44 केसेस सामने आ गए, मुतासर अफराद की तादाद 189 हो गई। मुल्क भर में 6,808 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस, 5 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इकोनॉमिस्ट नॉर्मलिसी इंडेक्स में कोरोना के बाद मईशत बहाली में पाकिस्तान का दूसरा नंबर, पाकिस्तान पहले जायजे में तीसरे, दूसरे में पहले नंबर पर था। असद उमर का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो तीनों रैंकिंग में टॉप 3 में है, हर चीज नॉर्मल पोजीशन पर आने लगी। फर्ज हबीब का ट्वीट। कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद शहरियों ने एहतियाती तदाबीर को यकसर भुला दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एहतियाती तदाबीर, बारिश के बाद लाहौर से फजाई आलूदगी की भी छुट्टी, आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले से 8वें नंबर पर चला गया। नई दिल्ली आलूदा शहरों की फहरिस्त में सबसे आगे, ढाका दूसरे और चीनी शहर वुहान तीसरे नंबर पर है। माहिर ने धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां, गाड़ियां और फसलों के बाकी जलाने को आलूदगी बड़ा ऊंचा करार दे दिया। और करेंसी मार्केट में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 48 पैसे का इजाफा हो गया, डॉलर 176 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड करने लगा।